गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ टू शो एवरीवन हाउ आई मेक नोट्स। तो बेसिकली आई यूज़ सैमसंग गैलेक्सी S7 FE टैब, जिसके साथ एक एस पेन भी आता है। तो बेसिकली मेरा जो एस नोट्स में जो एप्लीकेशन है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस सब फोल्डर्स, और ईच फोल्डर रिप्रेजेंट्स लाइक बोल सकते हैं क्या काम चल रहा है, कि कौन सा सेम चल रहा है। फॉर इंस्टेंस, ये एक सेस्ट का फोल्डर है, सेस्ट इधर का सिविल इंजीनियरिंग क्लब है NIT राउरकेला में। तो जो काम सेस्ट का होता है वो इस फोल्डर में जाता है, और ये फर्स्ट सेम का फोल्डर है, ये सेकंड सेम का फोल्डर है। वैसे जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी MTech सेकेंड ईयर में, वो सब लाइक जर्नल पेपर्स, बुक्स, वो सब रिसर्च रिलेटेड रिसर्च फोल्डर में जाता है। तो अगर हम देखें फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट्स, तो बेसिकली जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में NIT राउरकेला में फर्स्ट सेम में आपको 5-6 सब्जेक्ट्स आएंगे, जो कि एडवांस सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, अप्लाइड इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड फाउंडेशन एनालिसिस, और अर्थक्वेक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें से जो सब्जेक्ट है एडवांस्ड इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, वो रहेगा अपना स्ट्रक्चर के साथ कम्बाइंड, और जो सब्जेक्ट है सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड फाउंडेशन एनालिसिस, ये रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के साथ कम्बाइंड। तो अगर नोट्स देखें, फॉर इंस्टेंस अगर हर सब्जेक्ट के अंडर में उस सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स रहे, या कुछ मेरे को एक्स्ट्रा फाइल हो, कुछ डायग्राम्स हो जो मेरे पास होगा, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड उस फोल्डर में जाता है। अगर हम चेक करें एडवांस सॉइल मैकेनिक्स, तो ये उसका नोट्स है। तो बेसिकली मेरे नोट्स कलर कोडेड रहते हैं, ताकि बाद में जब मैं पढ़ूं, और क्योंकि मैं बहुत आलसी हूं, तो मेरे को एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है। मैंने डायग्राम्स भी बना के रखा है। डायग्राम्स सर वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पूरा चित्रकला डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राफ्स, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये ग्राफ्स, जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, नॉट इवन जियो टेक्निकल, जो ट्रांसपोर्टेशन या वाटर रिसोर्स में भी पढ़ेंगे, उनको ये ग्राफ्स बहुत एसेंशियल है। तो ऐसे मेरे को पता नहीं इस नोट्स में पर्टिकुलरली मैंने इतना गंदा हैंड राइटिंग में क्यों लिखा हुआ है, पर जैसे आप आगे देखेंगे मेरा हैंड राइटिंग इतना गंदा नहीं है बीटेक में। सो ये कम्बाइंड थ्योरी है, लाइक ग्राफ ऑफ ऑल द फेलियर थियोरीज कम्बाइंड इनटू वन। पहले तो ऐसा, ये देखिए लाइक मैं जब पहला टैब लिया था ना, तो मेरे नोट्स ब्लैक बैकग्राउंड के साथ होते थे, बिकॉज इट लुक्ड कूल। और फिर बाद में मेरे को ये प्रॉब्लम आया कि जब ये नोट्स मैंने PDF में शेयर करना चाहा किसी से, तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को वाइट कर देते थे। सो बेसिकली कुछ दिखता नहीं था नोट्स में, तो मैंने फिर वाइट बैकग्राउंड में चेंज कर दिया अपना नोट्स। तो फर्स्ट सेम का और एक सब्जेक्ट देखते हैं, अप्लाइड इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहेगा, जो कि स्ट्रक्चर वालों के साथ रहेगा ये क्लास। तो इसमें मैंने 3 सब फोल्डर्स बनाए हैं, सो एक स्ट्रेस का है, एक स्ट्रेन का है, बिकॉज दिस 2 आर द बेसिक्स, और एक बाकी जो बचा। तो आपको मैं बेसिकली अपना नोट जो कलर कोडिंग में बोल रहा हूँ, उसका क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, मतलब कैसे मैं कलर कोड करता हूँ, और वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके चॉइसेस के ऊपर। तो बेसिकली इधर देख सकते हैं, मेरा जो हेडिंग रहता है कोई भी टॉपिक का, मेरा हेडिंग हमेशा ब्लैक कलर में रहता है। देखिए, हेडिंग इज ऑलवेज इन ब्लैक कलर। ब्लू कलर में तब यूज़ करता हूँ जब मेरे को कुछ जनरल चीज़ें लिखनी हो, जनरल पॉइंट्स। रेड कलर में तब यूज़ करता हूँ जब मेरे को पता है कि ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रायोरिटी वाला फॉर्मूला जो रहता है ना, मैं वो रेड कलर में लिखता हूँ, और जो सेकंड में आता है जो प्रायोरिटी में फॉर्मूलास, वो मैं ग्रीन कलर में लिखता हूँ। और डायग्राम्स में जो आपका मन करे, जैसा मन करे मैं वैसे बनाइए, जो भी कलर। जब मैंने टैब नहीं लिया था और मैं नोटबुक्स में नोट्स बनाता था, तभी भी मैं 4 कलर के पेन यूज़ करता था। ऐसे देख सकते हो, ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बट रेड मैंने यूज़ किया, मतलब दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। ऐसे बोल नहीं सकते कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी जाएगा इससे। तो ऐसे डायग्राम में देख सकते हैं, मोर सर्कल 3D में बना हुआ है। बेसिकली देख के ही मन करेगा पढ़ने को। अगर आप मेरे जैसे आलसी हैं और अगर गंदा सा ऐसे ही नोट्स बना दिए, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको मन ही नहीं करेगा, आप सो ही जाएंगे। भी जनरल क्लास वर्क अगर देखें तो देख सकते हैं, ये बेसिकली आपने ये बीटेक में भी पढ़ा होगा, थिक सिलेंडर्स। तो मैंने 3D में डायग्राम बनाया हुआ है हाईलाइट करके, ऐसे नोट्स को देखने से ही मन होता है पढ़ने में। और जो चीज़ मेरे को
एक्सट्रीमली एसेंशियल है, तो मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ मार्कर्स। इसमें ऑप्शन भी है मार्कर्स का, इसे पूरा डायग्राम बना हुआ है इस कलर से। एक बार देखने से आप इसको पढ़े होंगे, फिर एग्जाम में जाएंगे ना इसको याद करेंगे, तो आपको ये अगर डायग्राम याद आ गया तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो इसलिए मैं कलर अच्छे से ड्राइंग करता हूँ डायग्राम से। तो कन्वीनियंट होता है टैब में नोट्स बनाना, रियली कन्वीनियंट। गाइस अभी और एक सब्जेक्ट देखते हैं, शायद अभी सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट देखते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, रॉक मैकेनिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स, डैम्स एंड एम्बैकमेंट्स, और ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। इसमें जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड है वो आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेगा स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के साथ, लाइक स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन एंड जियोटेक, जो सासडे है, जिस जो शॉर्ट फॉर्म में सासडे बोलते हैं, वो आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेगा ट्रांसपोर्टेशन वाटर रिसोर्स के साथ, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन वाटर रिसोर्स एंड जियोटेक। तो इसमें सासडे ही देखते हैं। तो इस सब्जेक्ट के लिए मैंने बैकग्राउंड में रूलिंग दिया हुआ है, बिकॉज इसमें थोड़ा ज़्यादा थ्योरी लिखना था, तो रूलिंग देने से बेटर रहता है, कन्वीनियंट रहता है। तो कॉन्सेप्ट वही है, ब्लैक में हेडिंग्स लिखो, रेड में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो। शायद इसमें मैंने ग्रीन कलर नहीं यूज़ किया है। तो देख सकते हैं डायग्राम्स बहुत क्लियर बनते हैं इस पेन में, इस टैब में देख सकते हैं वही चित्रकला। इसमें मैंने ओवर द बोर्ड ड्राइंग किया हुआ है। देखिए फॉर्मूलाज स्टेप्स पूरा स्ट्रक्चर्ड रहता है इसमें, और इसमें ग्राफ पेपर भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्राफ बनाना हो, जो कि आपको बनाना रहेगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। देखिएगा इस ओवर बोर्ड हो गया थोड़ा ड्राइंग इसमें, और मेरा फेवरेट ड्राइंग दिखाता हूँ मैं आपको इधर। देखिए मैंने क्लास में बना, लाइक रन टाइम में बनाया लाइव, तो इसमें से घास भी दे दिया है मैंने हाईलाइट्स के साथ। तो बेसिकली घास यूज़ होता है इरोजन प्रिवेंशन के लिए डैम में, स्लोप्स में। तो ऐसे नोट्स बनाता हूँ मैं, आप अपने हिसाब से बनाइए नोट्स, जैसे मन कीजिए पढ़िए, बट पढ़िए ज़रूर।